CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 12 के लिए हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2। आइए सुनते हैं आरोह भाग 2 का पहला पाठ। हरिवंश राय बच्चन, पृष्ठ संख्या 3 से 8 तक। पृष्ठ संख्या 3, कवि परिचय। हरिवंश राय बच्चन, जन्म सन 1907, इलाहाबाद। प्रमुख रचनाएं मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां काव्य संग्रह, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, दश द्वार से सोपान तक, आत्मकथा 4 खंड, हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ, अनुवाद, प्रवासी की डायरी, डायरी, उनका पूरा वाणमय, बचपन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित। निधन सन 2003, मुंबई में। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध, फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को बच्चन ने वाणी का वरदान दिया। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी साधी जीवंत भाषा और संवेदन सिक्त गेय शैली में अपनी बात कही। व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति बच्चन के यहां कविता बनकर प्रकट हुई। ये विशेषता हिंदी काव्य संसार में उनकी विलक्षण लोकप्रियता का मूल आधार है। मध्ययुगीन फारसी के कवि उमर खय्याम का मस्तानापन हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक कविताओं, विशेषकर मधुशाला में एक अद्भुत अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है, कल्पना साकी और कविता वो प्याला जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। कविता का एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरें, कड़वा खट्टा भी सहज भाव से स्वीकार करें तो अंततः सूफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। इसे बच्चन का हालावादी दर्शन कहते हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गईं, उनका मूल्यांकन अभी तक कम ही हो पाया है। बच्चन का कवि रूप सबसे विख्यात है, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी है जो ईमानदार आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। पृष्ठ संख्या 4, कविता परिचय। यहां उनकी कविता आत्म परिचय तथा गीत संग्रह निशा निमंत्रण का एक गीत दिया जा रहा है। अपने को जानना दुनिया को जानने से ज्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं। दुनिया अपने व्यंग्य बाण और शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। अपना परिचय देते हुए
वो लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्विंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है। और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में ये बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है, मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है, उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतल वाणी में आग। विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते ही वो बेखुदी, वो मस्ती, वो दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है कि दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, जैसा कुछ कहने का ठस्सा पैदा हुआ है। ये ठस्सा ही छायावादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श यूटोपिया की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कलह का यही वितान और विरोधाभास का ये विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबूझ रहस्यात्मकता से लहालोट रखता है। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन की जो अलग विशेषता है, ये गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिशिप्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। पृष्ठ संख्या 5। कविता आत्म परिचय। आत्म परिचय। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूं। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूं, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूं। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। पृष्ठ संख्या 6 है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने ना जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड ना क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूं। मैं रोया
इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। पृष्ठ संख्या 7, कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो ना जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। ये सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पृष्ठ संख्या 8, अभ्यास। कविता के साथ प्रश्न 1, कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं, विपरीत से लगते इन कथनों का क्या आशय है? प्रश्न 2, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? प्रश्न 3, मैं और जग और कहां का नाता? पंक्ति में मैं और जग और कहां का नाता पंक्ति में और शब्द की विशेषता बताइए। प्रश्न 4, शीतल वाणी में आग के होने का क्या अभिप्राय है? प्रश्न 5, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? प्रश्न 6, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? कविता के आसपास संसार में कष्टों को सहते हुए भी खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है? आपसदारी जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता की कुछ पंक्तियां दी जा रही हैं। क्या पाठ में दी गई आत्म परिचय कविता से इस कविता का आपको कोई संबंध दिखाई देता है? चर्चा करें। आत्मकथ्य, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये अपनी, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। जय शंकर प्रसाद। इसी के साथ आरोह भाग 2 का पहला पाठ यहाँ समाप्त हुआ। इसके बाद पाठ 2 आता है। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।